So students, chapter 3 is running. Chapter is current electricity. Topic is resistance and resistivity. What is resistance? The resistance of a conductor is the obstruction posed by, posed matlab given by the conductor to the flow of electric current through it. Yani ki resistance kya hota hai? Wo hota hai कंडक्टर में ऑब्स्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने में जो ऑब्स्ट्रक्शन कंडक्टर प्रोवाइड करता है उसी को कहते हैं हम रेजिस्टेंस. ओके, यानी कि फ्रिक्वेंटली करंट का फ्लो ना हो पाना ही जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर रहा है कंडक्टर कहलाता है रेजिस्टेंस, और ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है. नंबर दो, द रेजिस्टेंस आर of a conductor is defined as the ratio of the potential difference V across the ends of the conductor to the current I flowing through it. यानी R is equal to क्या होता है? V by I Ohm's law, V is equal to IR होता है, तो वहीं से R आ गया, that is potential difference V and I is the current. So you can say the ratio of potential difference to the current is known as the resistance. आइए इसकी SI unit के बारे में तो समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस क्या है, जिसमें किसी कंडक्टर में जब करंट फ्रिक्वेंटली फ्लो नहीं कर पाता है वही प्रॉपर्टी कंडक्टर की क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस. यानी करंट जो है ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है, होता है. द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा? ओम होता है, टेंथ में भी पढ़ा था. वन ओम इज इक्वल टू क्या होगा? जब वन वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर के अक्रॉस, वन वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ओवर एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा हो तो जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा दैट रेजिस्टेंस इन द कंडक्टर विल बी कॉल्ड ऑफ वन ओम. यानी वन ओम इज इक्वल टू वन वोल्ट अपॉन वन एम्पियर, दैट इज वन वी अपॉन वन ए. आइए पेज नंबर टू पर. वन ओम मैंने डिफाइन कर दिया, वन ओम को तो आप डेफिनेशन ये नोट कर लीजिएगा, डेफिनेशन इसकी एक्सप्लेनेशन. डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का डायमेंशन देखिए, R is equal to V by I होता है. V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस. तो ये जो V होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया था, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है. तो V की वैल्यू W by Q रख दिया और I I है ही है. W क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ये Q डिनोमिनेटर में, I भी डिनोमिनेटर में है, तो ये डिनोमिनेटर में आ गया. फोर्स इंटू डी, क्यू की वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? आई इंटू टी, या करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम. यानी करंट इंटू टाइम, और ये वाला आई ये आ गया आई, तो ये मिलके हो गया एफ इंटू डी अपॉन आई स्क्वायर टी. फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? एम आई टी माइनस टू. डिस्प्लेसमेंट का एल, आई का करंट का ए एम्पियर, तो ए स्क्वायर टी टाइम. इन दोनों को ऊपर ले गए, क्या हो गया? एम एल स्क्वायर टी रेस टू द पावर माइनस थ्री ए रेस टू द पावर माइनस टू. सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द रेजिस्टेंस. ओके बच्चों, अब आओ इंटरनेशनल ओम क्या होता है. रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला मालूम है, डायमेंशन निकाल सकते हो. इंटरनेशनल ओम, इंटरनेशनल ओम एक एक नंबर का एग्जाम में आ जाता है. इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ 106.3 सेंटीमीटर लॉन्ग मर्करी कॉलम ऑफ 1 मिलीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड मास 14.4521 ग्राम एट 0 डिग्री सेल्सियस. यानी ऐसा मर्करी कॉलम जिसका कि क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर का हो, जिसकी की लेंथ 106.3 सेंटीमीटर की हो, बात समझ में आ रही है, और जिसका मास इतना हो 14.4521 ग्राम एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो वो कहलाता है इंटरनेशनल ओम के. कम टू द पेज नंबर थ्री. कॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, क्या कारण है किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस के. मान लीजिए ये कंडक्टर है आपका और मैंने इसको पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी से सेल से जोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे. जब इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेगा.
और जब वो कोशिश करेगा तो होगा क्या, इस कंडक्टर में, कंडक्टर के मेटल जो कंडक्टर है उसके आयंस भी हैं और उसके एटम्स भी हैं, वो इलेक्ट्रॉन इन आयंस और एटम्स से बार बार कोलाइड करेगा, दैट इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड रिपीटेडली अगेन एंड अगेन विद देयर एटम्स एंड आयंस, उससे होगा क्या, उनकी वेलोसिटी कम होगी इलेक्ट्रॉनों की, लेकिन ड्रिफ्ट तो करते रहेंगे, मैंने पढ़ाया था जिस वेलोसिटी से इस एंड पे पहुंचेंगे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, तो होगा क्या, यही कारण है कि वो जब भिड़ेंगे लड़ेंगे तो कंडक्टिविटी कायदे से हो नहीं पाएगी और रेजिस्टेंस होगा, जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उतनी तेजी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, सीधी सी बात है, और जब इलेक्ट्रॉनों को ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है, वो बार बार आयंस और तुम्हारे एटम से टकरा रहे हैं कंडक्टर के, तो वो फ्रिक्वेंटली मूव नहीं कर पा रहे हैं, जब फ्रिक्वेंटली मूव नहीं कर पाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा, कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा, क्लियर, यही लिखा है मैंने, रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टिंग वायर इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द आयंस और एटम्स ऑफ द कंडक्टर्स व्हाइल ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर विच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द कंडक्टिंग मटेरियल ऑन द काइंड्स ऑफ मटेरियल, और काइंड्स ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, सिल्वर में कंडक्टिविटी कुछ और होती है इलेक्ट्रिक करंट की, कॉपर में उस कुछ और होती है, सिल्वर में बहुत तेज करंट दौड़ता है क्योंकि उनका अरेंजमेंट उसके एटम्स का और आयंस का थोड़ा अलग टाइप का है, दूर दूर होते हैं, स्पेस होता है, इसलिए फ्रिक्वेंटली इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं। उसके बाद नंबर आता है कॉपर का, हम सिल्वर की इसलिए वायरिंग नहीं करवा सकते क्योंकि सिल्वर बहुत कॉस्टली होता है, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के, एज वेल एज ऑन द लेंथ ऑफ द थिकनेस ऑफ द कंडक्टिंग वायर, लेंथ पर और थिकनेस पर भी डिपेंड करता है। हम पढ़ा चुके हैं आपको जब ओम्स लॉ डिडक्ट करा रहे थे R इक्वल टू V बाई I, तो R की वैल्यू क्या, ये निकाली थी ना कल डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ में, तो इसको जरा रीअरेंज करते हैं, तो R इक्वल टू ये M N E स्क्वायर टाउ और L बाई A को मैंने अलग कर दिया, ये पूरा हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रोज इसको बोलते हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, मटेरियल का होता है, ये कभी चेंज नहीं होता, ये फिक्स होता है, क्लियर, तो R इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन गया, रो इंटू एल अपॉन ए, न्यूमेरिकल में यूज होगा ये, वेयर रो इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ओके, थैंक यू।